पर कार्रवाई की जाएगी। समस्या यही है, हमने इंक्वायर किया है तो पता चला है कि जो नहर का पानी है वो ओवरफ्लो करके कैंपस में आ गया है और सारा कैंपस एरिया जलमग्न हो गया है। हमने चेयरमैन साहब टाउन हॉल से बात किया है, श्री रविंदर जी चेयरमैन से, तो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि NH2 के पास कोई कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो शायद गलत तरीके से हो गया है, जिसकी वजह से पानी का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, इसलिए पूरा बैकफ्लो हो रहा है और सारा कैंपस में हो रहा है। उसके लिए वो प्रयासरत है और हाईवे के नज़दीक JCB लगा है, अपना आदमी भी दिए हुए हैं। उनका ये कहना है कि लेबर हम देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जो दीवार जो तोड़ना है, जो स्लैब ढलैया हुआ है उसके लिए NH2 वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रभावित हो रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल, आने जाने में दिक्कत हो रही है, फिर भी इस कंडीशन में हम लोग अपनी सारी सेवाएं कंप्लीट रखे हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, इमरजेंसी से OPD से सारी जांच व्यवस्था सारी चल रही है। जिलाधिकारी से आपने संपर्क किया इस मामले में? नहीं, हमने नहीं किया था, खबर उनको जिला DM साहब को खबर हो गई है, हमने चेयरमैन साहब से बात किया है और भी जो मिस्त्री से उनसे बात किया है, सफाई व्यवस्था के लिए किया है, अपने यहाँ भी जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे कह के साफ सफाई कराए। पता चला है कि बगल में एक फल वाले हैं जो नारियल वारियल यूज़ होता है, वो एक जगह डंप हो गया है इसके उस तरफ, जिसकी वजह से भी काफ़ी ब्लॉकेज हो गई। तो हम लोग अपने लोकल स्तर से देख रहे हैं, उनको बुला के समझाते हैं कि एक डस्टबिन रखें जिससे कि आपका फल का जो डिस्पोजल है वो सही ढंग से हो जाए।